और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, 2024 आम चुनाव के लिए कांग्रेस के अंदर मीटिंग और मंथन का दौर जारी है। आज दूसरे दिन भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दो राज्यों के साथ मंथन कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को भी कांग्रेस ऑफिस में बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब को लेकर सीट शेयरिंग पर मीटिंग हुई। मीटिंग में सहयोगी दलों के साथ साथ सीट बंटवारे को लेकर कैसे सामंजस्य बैठाना है, इसे लेकर चर्चा हुई, प्लानिंग हुई, उसके साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला किया गया। वहीं हमारे साथ रमन कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। रमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक तरफ अभी हम चर्चा कर ही रहे थे भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होगी, तो कांग्रेस हर वो कदम उठा रही है, क्योंकि अब देखिए वक्त भी कम है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, मंथन का दौर जारी है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें रमन, सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती है, वो भी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कैसे अपने सहयोगी दलों को लेकर चलना है एक बड़ी चुनौती, जानना ये चाहेंगे। आज की बैठक से क्या आपको लगता है एक रणनीति तय हो जाएगी, एक एजेंडा साफ हो जाएगा? देखिए, तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली पराजय के बाद से कांग्रेस पार्टी के नेता हतोत्साहित हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल जितने दल हैं उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा उसमें उनकी बढ़त या उनकी जो कोशिश थी कि इन राज्यों में जीत के बाद जो है वो सही तरीके से सीट शेयरिंग को अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। और जिस तरीके से जो रिजल्ट सामने आए, उस रिजल्ट के बाद से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, कांग्रेस की कमेटी में फैसला हुआ कि अब बिना देरी के तमाम राज्यों के नेताओं को बुलाया जाए, एक एक करके बुलाया जाए और उनसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कहां पे कमजोरी है, कहां पे किस तरीके से दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, किस तरीके से नेताओं को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, किस तरीके से इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल है उनके साथ सहमति के साथ साथ तालमेल बिठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। साफ तौर पर कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के नेताओं को एक एक करके बुलाया जाए। आज जैसे आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की बारी है, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेताओं को एक एक करके बुलाया जा रहा है, उनके नेताओं से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। कल बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब के नेताओं से बातचीत हुई थी। पंजाब में साफ तौर पर जिले राज्य इकाई जो है आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार हो, और ऐसी सूरत में पार्टी को फैसला करना पड़ेगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी हो या आरजेडी हो, जेडी हो, जहां पर जिनके साथ समझौता किया जाना है वो किस तरीके से अमली जामा उसको पहनाया जा सकता है। जी रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर हरियाणा से बता रहे हैं, झज्जर में पहलवानों से मुलाकात की राहुल गांधी ने, झज्जर के छारा गांव में पहलवानों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और राहुल गांधी को अपने बीच पाकर